हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे की सुबह हुई है, बहुत ही प्यारी सुबह है। और वैसे तो आजकल हर रोज़ ही संडे ही लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए आज मैं आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट रूटीन संडे का, कुछ स्पेशल जो ब्रेकफास्ट संडे को तो होता ही है, तो वो शेयर करने वाली हूँ। और थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद चलिए फटाफट हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ वड़ा पाव, जो एक तरह से ब्रंच हो जाएगा। और इसके लिए मैंने लिए हैं, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, 3-4 हरी मिर्च और 2 बड़े लहसुन के पीसेस लिए हैं मैंने। तो वड़ा पाव में ये 3 चीज़ें होती हैं ना, जिसके कारण वड़ा पाव का जो टेस्ट होता है, यानी जो वड़ा हम बनाते हैं उसका टेस्ट होता है, वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक मुंबई वाला टेस्ट आएगा। तो इसको मैंने अपने मैनुअल चॉपर में बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। और इसके बाद कोई पैन या कढ़ाई गरम करनी है और उसमें डालना है रिफाइंड ऑयल, 2-3 चम्मच रिफाइंड ऑयल इनफ रहेगा इसके लिए। अब जब ऑयल अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड्स। और जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए ना हमारा मस्टर्ड सीड्स, उसके बाद हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो इसे अच्छी तरह क्रैकल होना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका जो टेस्ट है वो बिटर थोड़ा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अब मैंने इसमें हींग भी डाल दी, तो साथ में ये जो है हींग भी इसमें पक जाएगी। अब ये जो राई है हमारी बिल्कुल तड़क फड़क रही है, तो अब इसमें हम डालेंगे 2-4 कड़ी पत्ते। और उसके बाद जो हमने ये मसाला तैयार किया था ना, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का, वो हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, ये तेल में थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, तो इसका थोड़ा रॉ फ्लेवर निकल जाएगा और एक अच्छा सा टेस्ट मिलेगा हमारे वड़े को। और इसे भी अच्छे से भून लेंगे हम पहले। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, और क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है तो हमें और लाल मिर्च की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे ही बहुत अच्छा तीखापन आएगा। और ये 3-4 बड़े बड़े आलू हैं जिनको हाथों से ही मैश करना है, तो अगर बिल्कुल ठेले वाला आपको वो चाहिए ना टेक्सचर वड़ा का, तो आप हाथों से इसे मैश करिए। और ग्रेट नहीं करना, हाथों से ही मैश करना है, तभी वो जो बहुत अच्छा सा जो वड़े का एक टेक्सचर आएगा ना, आप जब बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और इसे बस अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और इस स्टेज पर ही हमें इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेना है, क्योंकि अभी हमें अंदाज़ा हो गया कि कितना नमक चाहिए होगा वड़े के लिए। तो ये नमक डालकर हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगता है ना आलू बहुत सूखे सूखे लग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर सकते हैं, तो एक बाइंडिंग मिलेगी आलू को। अब हमारा मसाला तैयार हो गया, लेकिन इस पर जब तक धनिया नहीं पड़ेगा ना, बहुत सारा हरा धनिया बिल्कुल फाइनली चॉप करके आपको इसमें मिक्स करना है। और इसका जो स्वाद आएगा ना, वो तो बस अलग ही लेवल का होगा। और इसे भी अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर दीजिए। तो लीजिए हमारा वड़ा का मसाला जो है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक मुंबई वाला मसाला तैयार हो चुका है। अब इन वड़ों को कोट करने के लिए हमें चाहिए होगा बेसन का बैटर। तो बेसन का पेस्ट या बैटर बनाने के लिए 3-4 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है। और इसमें मैं आप मिलाऊंगी 1 चम्मच, यानी जितना भी आपको स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए इसमें, और 1 चम्मच हल्दी डालिए, एक अच्छा सा येलो सा जो कलर आता है ना, वो हल्दी से ही आता है। और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टफिंग में बहुत सारी हरी मिर्चें डाली हुई हैं। और मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड किया है, क्योंकि एक अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा अजवाइन के कारण। और बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए कि आलू जो भी हम इसमें डालें ना, तो अच्छे से कोट हो जाए बेसन उसके ऊपर। तो इस हिसाब से हमें बेसन का एक बैटर बनाना है, जैसा आप चीला के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाना होगा।
अभी जो हमने स्टफिंग रेडी करके रखी है ना, उसको बिल्कुल लड्डू जैसे हम रोल रोल करके, हाथों से ही रोल करके और इस तरह लड्डू बनाकर, यानी वड़ा के लिए जो हम इस तरह से राउंड शेप में बॉल्स बनाकर रख लेंगे पहले से ही। तो हमारा बेसन बैटर भी तैयार है और वड़ा के लिए मसाला भी तैयार है। तो बस एक एक करके हम ये कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें इन वड़ों को डाल देंगे और इन्हें अच्छे से दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेक लेना है ताकि एकदम ऊपर से क्रिस्पी हो जाए ये, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। आप इस तरह बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और संडे को तो ज़रूर कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए। रोज़ हम पोहा और उपमा सैंडविचेस खा खा के बोर हो जाते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बना के देना तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। अब मैं ये क्या कर रही हूँ सोचकर आप भी हैरान होंगे ना, लेकिन ये मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ इसके साथ। तो इस तरह मैं बेसन को ना थोड़ा सा डाल रही हूँ और एक क्रिस्पी सा बूंदी जैसा कुछ बनकर आएगा, और इसको हम चाहें तो पाव के अंदर भी एक इसका एक लेयर लगा के और उसके बाद वड़ा रखें ना और खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन इससे मैं बनाने वाली हूँ वो लाल वाली चटनी जो हमें वड़ा पाव के साथ मिलती है। तो एक बार इस तरह से आप लाल वाली चटनी जो बनती है ना वो बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। और इतनी ज़्यादा चटपटी और तीखी चटनी होती है ना कि उससे ही वड़ा पाव का पूरा फ्लेवर आता है। तो ये थोड़ा सा जब क्रिस्पी सा हो जाएगा ना तो इसे निकाल लेना है। चलिए अब बनाते हैं वो लाल वाली चटनी। तो सबसे पहले वो जो हमने निकाला था ना बेसन का, वो डालते हैं इसमें। उसके बाद दो लहसुन की कलियां, कुछ लाल मिर्च ड्राई वाली, और ये थोड़े से तेल हैं वो डाल दिए मैंने। इसके बाद हल्का सा नमक और ये कश्मीरी लाल मिर्च है ना, वो मैं थोड़ा सा एक रंग देने के लिए मैंने इसे डाला है, और थोड़े से मुझे भुनी हुई मूंगफली थी मेरे पास तो वो मैंने डाल दी है। और इसे बस ड्राई ही पीस लेना है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। तो कुछ इस तरह बनकर हमारी जो ये लाल वाली चटनी है ना तैयार हो चुकी है। अब आप चाहें तो ऐसे ही पाव में वड़ा और चटनी लगा के खा सकते हैं जो लाल वाली हमने बनाई है, या फिर आप थोड़ा सा पाव को बटर के साथ सेक लेंगे तो और भी मज़ेदार फ्लेवरफुल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ना पाव तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये मुंबई तो है नहीं कि हमें वो वाला पाव मिलेगा जो मुंबई में मिलता है, एकदम मस्त पाव होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये वाले पाव को थोड़ा सा बटर लगा के सेक लेते हैं हम। बस इसमें थोड़ी सी चटनी लगाइए और वड़ा रखिए और ऊपर से इसे कवर कीजिए और इसका मज़ा लीजिए। और इसके साथ आप चाहें तो हरी मिर्चें होती हैं ना उनको भी बीच में से स्लिट करके और उसी तेल में फ्राई करके निकाल लें, और वो मिर्च भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी इतना तीखा है तो मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मिर्च भी मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। तो एक कप चाय लीजिए और इसका मज़ा लीजिए, फटाफट बना लीजिए अब आप। तो ये वड़ा पाव का ब्रंच करने के बाद ना हम शाम को निकले थे थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए,
और ये सनसेट का जो नज़ारा है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने इसे कैप्चर कर लिया आपके लिए। तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और ग्रोसरी आइटम्स सारी मिल रही हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी सप्लाईज आ रही हैं अभी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और घर पर रहिए, खुश रहिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए। तो मिलती हूँ फिर से, टेक केयर।